ओके हेलो किड्स, हेलो किड्स, टुडे वी आर डूइंग फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन ऑफ योर चैप्टर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन वाला जो आपका चैप्टर है पेज नंबर 61 पे, इसके हम फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन कर रहे हैं. अ डायलॉग विद बिल गेट्स ये चैप्टर है एंड द क्वेश्चन इज मेंशन द वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया दैट हेल्प बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन टू कैरी आउट देयर वर्क. ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिखने हैं इंडिया की, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की जो काम चल रहे थे, वो जो वेलफेयर के काम कर रहे थे, उनको काम करने में हेल्प की थी, मदद की थी, उनको सपोर्ट किया था. कौन सा था? द फाउंडेशन वर्क्स विद द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया. तो ये जो फाउंडेशन थी उन्होंने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, इंडिया की सेंट्रल मतलब जो मेन, यू कैन से मोदी सरकार, मेन सरकार जो है केंद्रीय सरकार, एंड स्टेट, अलग अलग स्टेट्स की जो गवर्नमेंट है उनके साथ मिलकर इन्होंने काम किया था. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब जिनका जो मेन एम है प्रॉफिट कमाना नहीं होता बल्कि दूसरों की भलाई करना होता है, तो उसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है. ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो दूसरों की भलाई के लिए काम करती है और उनका मेन एम पैसा कमाना नहीं होता, प्रॉफिट कमाना नहीं होता. कम्युनिटी ग्रुप्स कौन से? जैसे समाज भलाई के लिए छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं ना, अलग अलग लोग अपनी अपनी यू कैन से समाज भलाई के लिए एक यू कैन से ग्रुप बना लेते हैं या फिर एक अपनी टीम बना लेते हैं, सोसाइटी बना लेते हैं, तो उसको कम्युनिटी ग्रुप बोला जाता है. फिर अकेडमिक इंस्टीट्यूशन, अकेडमिक मतलब स्टडी से रिलेटेड जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो, एंड द प्राइवेट सेक्टर. और जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं जो अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन लोगों ने, इन सब ने मिलकर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ काम किया था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाउ विल थिंग्स इम्प्रूव इन द हेल्थ केयर सेक्टर इन द नेक्स्ट 15 ईयर्स अकॉर्डिंग टू बिल गेट्स. बिल गेट्स के अकॉर्डिंग आने वाले 15 सालों में हेल्थ केयर के सेक्टर में किस तरह से चीजें इम्प्रूव हो सकती है, किस तरह से ये चीजें आगे बढ़ सकती है, इम्प्रूव हो सकते हैं, मतलब हमारा हेल्थ केयर सेक्टर जो है, मतलब लोगों की हेल्थ से रिलेटेड जो इम्प्रूवमेंट है वो कैसे हो सकती है. तो क्या है ये? इन द हेल्थ केयर सेक्टर द फाउंडेशन वर्क विल बी रिलेटेड टू अपस्ट्रीम साइंस, इन्वेंशन ऑफ वैक्सीन्स मेनली फॉर डिजीजेस लाइक डायरिया एंड रेस्पिरेटरी इलनेस एंड रीच चिल्ड्रन अक्रॉस द वर्ल्ड. इन द हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर जो फाउंडेशन है वो क्या काम कर रही है? द फाउंडेशन वर्क विल बी रिलेटेड टू अपस्ट्रीम साइंस. जो फाउंडेशन का काम है, जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, उसका जो काम है किससे रिलेटेड होगा? अपस्ट्रीम साइंस, साइंस को ऊपर उठाने के लिए. अपस्ट्रीम मतलब अप का मतलब ऊपर और स्ट्रीम का मतलब धारा, मतलब उसको ऊपरी धारा में बहाने के लिए, मतलब साइंस को लोग ज्यादा समझे और साइंस के थ्रू हम तरक्की करें. ये इन्वेंशन ऑफ वैक्सीन, जैसे अभी आप सुन रहे कोरोना की वैक्सीन आ रही है, ऐसे अलग अलग बीमारियों के लिए वैक्सीन बन जाए ताकि उन लोगों को उस तरह की बीमारियां कोई हो ही ना. तो इन्वेंशन ऑफ वैक्सीन मेनली फॉर डिजीजेस, किस तरह के डिजीजेस के लिए? जैसे डायरिया, जैसे लूज मोशन हो जाते हैं डायरिया, एंड रेस्पिरेटरी इलनेस, जैसे सांस की बीमारी हो जाती है. कई बोलते हैं कि इन चीजों का कोई इलाज ही नहीं है, इन चीजों की कोई, मतलब अगर एक बार बीमारी लग जाए तो पूरी उम्र रहती है, वो मरते दम तक बीमारी रहती है. तो उन्होंने वो इस फील्ड में काम कर रहे हैं कि ये जो बीमारियां हैं ये जड़ से खत्म हो जाए, इनके लिए कोई वैक्सीन ऐसी बन जाए कि किसी पर्सन को ये बीमारी हो ही ना. एंड रीच चिल्ड्रन अक्रॉस द वर्ल्ड, और ये जो सारी वैक्सीन है, सारा जो काम है, ये सारा पूरे वर्ल्ड में सारे लोगों तक पहुंचे, सभी लोगों तक ये काम पहुंचे, सभी लोगों तक ये दवाइयां पहुंचे. ठीक है, दीज आर द टू क्वेश्चंस. टुमारो यू हैव टू लर्न ऑल्सो एंड यू हैव टू कंप्लीट योर नोटबुक ऑल्सो.